साथियों, अब हम सर से जानेंगे कि जिला कृषि मौसम इकाई क्या है और ये स्वयंचलित मौसम केंद्र मौसम की जानकारी कैसे देता है, तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। मैं जेसी गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी से। ये स्वचलित मौसम केंद्र है यहाँ पर, और इसमें ऑटोमेटिकली सारे डाटा यहाँ से भोपाल और पूना ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें एक चिप लगी हुई है और सोलर पैनल से वो जो है इसमें बैटरी से वो चार्ज होता है। इसमें कितना रेनफॉल हुआ है, कितना मतलब बरसात हुई है, वो उसका मिलीमीटर में उसका पूरा यहाँ ज्ञात होता है। हवा की स्पीड किस दिशा में चल रही है वो सारी यहाँ पर पता चलती है, और मौसम कैसा है, तापमान कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है प्रतिदिन का, ये यहाँ पर आता है, जिससे हमारी जो फसलें हैं उनका इससे सीधा सीधा कोरिलेशन करके और ये बताया जाता है कि अब गेहूँ बोने का समय आ गया, तापमान इतना आ गया है, अब सरसों बोने का समय आ गया है, अब इतना तापमान आ गया है, ये सब जानकारी। और किसान को ये बता दिया जाता है पहले से ही कि इतनी बरसात होने वाली है, मौसम ख़राब होने वाला है, तो आप अपनी फसल को सुरक्षित काट के रख लें और या खेत में खड़ी रहने दें। ये सारी की सारी बातें हम किसान को इस जो हमारी स्वचलित मौसम की जो जानकारी है वो सारी मिलती है, वो किसान के साथ में हम साझा करते हैं और समय समय पर उनको बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, जिससे वो अपना कृषि कार्य उसी के अनुसार करते हैं और इससे लाभ लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।